15 दिसंबर को आयोजित होने वाली परीक्षा की तैयारियों को लेकर हुई मीटिंग। मुरादाबाद जनपद में 15 दिसंबर को आयोजित होने वाली परीक्षा की तैयारी को लेकर आज जिला अधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। महानगर के पंचायत भवन सभागार में परीक्षा की तैयारियों को लेकर हुई इस मीटिंग के विषय में जानकारी देते हुए ADM सिटी राजेंद्र कुमार सेंगर ने बताया कि 15 दिसंबर को सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ लोक सेवा आयोग 2019 की परीक्षा आयोजित होनी है। परीक्षा में लगभग 30,000 से अधिक परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे, जिसके लिए 69 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 23 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 69 स्टेटिक मजिस्ट्रेट की इस परीक्षा में तैनात रहेंगे। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक उप निरीक्षक, 2 आरक्षी एवं 2 महिला आरक्षी की ड्यूटी लगाई गई है। यातायात व्यवस्था सुचारू रखने हेतु मुख्य मार्गों पर यातायात पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। 15 दिसंबर को आयोजित होने वाली इस परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। उसी को लेकर आज मीटिंग का आयोजन किया गया है। परीक्षा तैयारियां लेकर क्या रही सर? 15 दिसंबर को सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा 2019 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही है। इसमें जनपद मुरादाबाद में 69 सेंटर्स में परीक्षा होगी। 30,000 से भी ज़्यादा बच्चे इसमें भाग लेंगे। इसके लिए हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट एवं केंद्र परीक्षकों पर्यवेक्षकों की तैनाती कर ली है। सेंटर्स के बाहर पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है। प्रश्न पत्र की डिजरी में रखने की व्यवस्था कर दी गई है। आयोग के निर्देश थे कि इसके संबंध में एक बैठक केंद्र व्यवस्थापक, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ कर ली जाए। उसके संबंध में आज बैठक भी कर ली गई। परीक्षा की तैयारी हमारी पूर्ण है और आसान की सर 2 पालियों में परीक्षा होगी, भारी संख्या में विद्यार्थी आएंगे, यातायात सुचारू रूप से चल सके उसके लिए क्या व्यवस्था? इसके लिए SP ट्रैफिक को पहले से ही अवगत करा दिया है। पिछली परीक्षा में भी हम और SP ट्रैफिक बराबर मूवमेंट पे थे, क्योंकि अचानक ही बच्चे परीक्षा केंद्र से निकलते हैं और बड़ी मात्रा में वाहन आते हैं, इसकी वजह से थोड़ा बहुत कभी कंजेशन हो जाता है, लेकिन यातायात सुचारू रूप से चलाने का पूरा प्रयास किया जाता है। और इस बार भी उनको निर्देश रहेगा, हमने रेलवे के DRM साहब को भी इस बारे में अवगत कराया है, ट्रेनों में उसी हिसाब से व्यवस्थाएँ करानी है।